नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आप सभी के समक्ष कुछ खास कार्यक्रम लेकर पेश होते हैं, तो आज के खास कार्यक्रम में, आज की इस खास मुलाकात में आप सभी की मुलाकात करवाने जा रहे हैं उर्दू के जाने माने शायर फिरासत खान से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और बहुत स्वागत सर आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो सर, हम आपका, आप उर्दू के शायर हैं, आपकी कोई शायरी या कविता वर्तमान राजनीति को लेकर सुनना चाहेंगे जो वर्तमान राजनीति को दर्शाती हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी नज़म, जो आपने राजनीति भी कही है, बल्कि मैं ऐसा कहूंगा कि मैं एक पैगाम देना चाहता हूं जी। मैं हर नज़म पढ़ने से पहले हर कवि सम्मेलन में, हर महफिल में एक शेर पढ़ता हूं। गो लाख रंगत हो फूल में, खुशबू नहीं तो कुछ भी नहीं। शेरो अदब की महफिल हो, उर्दू नहीं तो कुछ भी नहीं। नज़म अर्ज है कि नफरतों के अंधेरे अपने दिलों से मिटा दीजिए, नफरतों के अंधेरे अपने दिलों से मिटा दीजिए, बस अपने दिल में सबके लिए शमय मोहब्बत जला दीजिए। तराने इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, वतन परस्ती जोश मारेगी बस ये गुनगुना दीजिए। डगर से जो भी डगमगाए उसको अपनी नजरों से गिरा दीजिए। गांधी, चिश्ती, नानक की सरजमी है ये। गांधी, चिश्ती, नानक की सरजमी है ये। देश के लिए अपनी जान लुटा दीजिए। आखिर में मैं एक शेर कहूं, सालमियत यकजहती अनेकता में एकता हमारी पहचान, बस आप बाजमीर रहें साजिश की हर दीवार को गिरा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत रचनाएं सर। सर, आपने बहुत सी और भी रचनाएं लिखी है, बहुत से शायरियां लिखी है आपने। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में उर्दू का जो साहित्य है वो प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाठक अब उर्दू को पढ़ने वाले नहीं रहे हैं जी। इसी वजह से इसकी पब्लिशर भी इस पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और अगर किताबें छपती भी हैं तो वो बहुत ही कम तादाद में छपती हैं। इसमें सबसे बड़ी जो कमी है ये है कि उर्दू को फरोग देने के लिए हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकारों की तरफ से भी इसमें कोशिश नहीं हो रही है जी। क्या किया जा सकता है ऐसा जिससे उर्दू के पाठक बढ़ जाए और इसका प्रकाशन बढ़ सके? इसमें फिर हम यही कहेंगे कि इसमें जिस तरीके से पहले सरकारी स्कूलों में कुछ क्लासों में उर्दू कंपलसरी थी, जो कि अब नहीं है, इसको दोबारा अगर शुरू किया जाए तो उर्दू को तरक्की मिल सकती है जी। अंत में सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी साहित्य नजर में जो है, जो वर्तमान राजनीति है वो किस हो जा रही है? साहित्य के अगर एंगल से देखें तो जिस तरीके से हमारे समाज में बिखराव है, इसी तरीके से हमारे साहित्यकारों में और भी बिखराव है। बस इसका यही एक कारण है कि हम एकजुट ना होते हुए भी, बल्कि साहित्य पर राजनीतिक हावी हो गई है, इसका मेन कारण जो है वो यही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही कुछ खास कार्यक्रमों में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।